हमारी लिफ्ट पूरी टेरिस तक आती है, और नीचे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है उन लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेट एरिया है उनके टैंक्स के लिए, और फोर्थ फ्लोर वालों को जो है यहाँ पे अपना पर्सनल एरिया मिल जाता है अपने टेरिस को इंजॉय करने के लिए। अब मैं आपको आपको पूरा टेरिस दिखा दो, ये देखिए क्या शानदार टेरिस है, और काफ़ी अच्छी तरह से पूरा मॉडिफाई किया हुआ है पूरा टेरिस। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके रूफ़ पे भी जो है ट्रीटमेंट कराया हुआ है, तो यहाँ पे जो अदर रूफ से जो टेम्परेचर है आपका लो ही रहेगा यहाँ पे। और जस्ट सामने की तरफ आप देख रहे हैं कितना पीसफुल यहाँ पे हमारे बुद्धा जी की स्टैचू है। यहाँ आपको गज़ीबो मिल जाता है, टेरिस पे जो है आपको किचन मिल जाती है, ठीक है, जो कि पूरा आपका बना रखा है यहाँ पे किचन। इसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे अटैच वॉशरूम, जो कि ऑलरेडी बिल्डर ने आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, आपको कुछ भी काम नहीं कराना है यहाँ पे, सिर्फ आपको फ्लोर परचेस करना है और आपको सिर्फ इन्जॉय करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ गुड़गांव के अंदर। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं जो कि DLM फेज 3 के अंदर है। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइम है, दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा नियर है, सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको विद इन 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको मिल जाती है। सबसे अच्छी बात क्या है इस फ्लोर की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बिल्डर जो है काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, उनका जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रह चुका है। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ लेके आए, जो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं वो सारी आपकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ ही रहती है। और जो लोग जो है 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर फ्लोर देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारा फ्लोर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप इस प्रॉपर्टी के अंदर जो एक एक चीज़ आप फिटिंग्स देखेंगे वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे, चाहे वो स्टैंडर हो, चाहे वो AC हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो फैंस हो, सबको आप और सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलेगा। अगर आपको ये फ्लोर विजिट करना हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा भी कोई इंक्वायरी हो तो अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम इस फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है आपको पूरा स्पेस, यहाँ पर आपको 4 गेट मिल जाता है, 1, 2, 3, 4, और ये आपका पूरा पार्किंग स्पेस रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हमारे फ्लोर्स के लिए मेन एंट्रेंस रहेगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका सिक्योरिटी पर्पस से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे उन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है बिल्डर ने। यहाँ आपके स्टेयर्स हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे आपका टेक्सचर का वर्क करा रखा है। 1000 क्रिप की आपकी लिफ्ट रहेगी, जो कि काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है लिफ्ट के अंदर। तो ये रहेगा आपका मेन एंट्रेंस गेट, साथ में आपको यहाँ पे स्मार्ट डोर लॉक्स मिल जाते हैं जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स एंड कार्ड से ओपन होगा आपका। तो हम लोग अपने फ्लोर पे जैसे ही एंट्रेंस करते हैं तो अब हम देख लेते हैं इसका पूरा लेआउट अपने फ्लोर का। तो अब हम जो है इसी एरिया से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा पूरा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया में आप देख सकते हैं कि जो वॉल्स हैं यहाँ पे जो है इटालियन लुक दिया गया है, और साथ ही साथ में कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा मैच किया गया है प्रॉपर्टी के अंदर। वुडन स्टाइल के अंदर जो है आपको डोर मिल जाते हैं यहाँ पे, और फॉल सीलिंग जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट फॉल सीलिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है इस फ्लोर के अंदर। फ्लोरिंग जो है आपकी पूरी इटालियन मार्बल रहेगी, साथ ही में जो है आपको सेंट्रलाइज्ड AC मिलेगा पूरे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें हॉल मिल जाता है। प्लॉट साइज़ जो हमारा 502 स्क्वायर यार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइज़ काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। अब हम इसका पूरा लेआउट समझ लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में जो है हमें 2 बेडरूम मिल जाते हैं, बेडरूम नंबर 1 और ये बेडरूम नंबर 2। और यहाँ पे जो है आपको पाउडर रूम मिल जाता है, यहाँ पे हमारा बेडरूम नंबर 3 और हमारा बेडरूम नंबर 4। अब हम लोग इस एरिया की जैसी तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा जो है सेपरेट पैसेज एरिया दिया गया है, तो और जिसके जिसके सामने जो है आपको आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है जिसको आप किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा किचन रहेगा, और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका पूजा स्थल रहेगा। तो अब हम जो है अपने फर्स्ट बेडरूम से स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे आप सामने की तरफ देख सकते हैं तो ये हमारे डोर्स हो गए, साथ ही साथ में जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया गया है सनलाइट के लिए। तो प्रॉपर्टी में जो है सनलाइट का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है आपका,
तो आप यहाँ पे कर्टेंस लगा सकते हैं और अपने हिसाब से जो है सनलाइट को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पे अटैच वॉशरूम, फुल लेंथ के वार्डरोब्स, और दोस्तों जितनी भी सब आप बाथ फिटिंग्स देख रहे हैं ये आपके कॉलर की बाथ फिटिंग्स है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं जो कि अदर ब्रांड्स हैं। साथ ही साथ पे आप इनकी जो फिनिशिंग देख रहे हैं गोल्ड फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पूरी की पूरी बाथ फिटिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव लुक दे रहा है। नीचे की तरफ आपकी वैनिटी जो कि सॉफ्ट क्लोज है सारी की सारी। ये आपका सेपरेट बाथ एरिया विद पार्टीशन के साथ, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है अपना सामान रखने के लिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम, और यहाँ पे आपको जो फ्लोरिंग जो है यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। साथ ही साथ में आपको सभी बेडरूम्स के अंदर जो है हिताची के स्प्लिट एसी मिलेंगे आप। और ये हमारा सेकंड वॉशरूम, अंदर ही आपको वार्डरोब्स मिल जाती है। ये आपका सेपरेट बाथ एरिया विद पार्टीशन। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे आपको जो है पाउडर रूम, अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड बेडरूम, और जाने से पहले हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है। लेआउट काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस है, साथ ही साथ में स्पेस का काफ़ी अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है। और यहाँ पे आपको मिल जाती हैं वार्डरोब्स, आपको यहाँ पे जो है वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है इस रूम के अंदर भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं सभी बेडरूम्स के अंदर काफ़ी सिंपल एंड डिसेंट टेक्सचर कराया हुआ है। इसका हम लोग अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि तीनों वॉशरूम के अंदर आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन अलग मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है हर चीज़ को। इसके जस्ट साथ में ही हमारा फोर्थ बेडरूम आ जाता है। और यहाँ पे भी आपको जो फ्लोरिंग जो है आपको वुडन मिल जाती है, और सामने की तरफ जैसे आप वॉल देखते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर ग्रोविंग है और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। और यहाँ पे आपकी रहेंगी फुल लेंथ की वार्डरोब्स, सेपरेट कर दिया गया जो कि ये वाला एरिया विद अटैच वॉशरूम। तो अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। यहाँ पे आपको जो है पूजा स्थल बन मिल जाता है, या फिर आप इस एरिया को किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में आपको ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है ये आप इसको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे स्टडी रूम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेआउट है, तो यहाँ पर स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। यहाँ आपको जो है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, फिर जो है आपको अप्लाइंसेस भी मिल जाते हैं, ओवन एंड माइक्रोवेव। ये वाला जो है आपका पूरा ड्राई एरिया रहेगा। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, नीचे और ऊपर आप देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एसी भी मिल जाता है आपको, ठीक है। स्टोरेज के यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। आपकी सारी कंपनी फिटेड जो है आपकी यहाँ पे मॉड्यूलर किचन रहेगा, और यहाँ पे जो है आपको हॉबिन चिमनी भी मिल जाती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये पूरा आपका वेट एरिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी फिटिंग्स जो है आपकी कॉलर की रहेंगी यहाँ पे।
ये आपके फ्रंट की रनिंग बालकनी रहेगी, बैक साइड भी आपकी जो है बैक, तो बैक बालकनी भी आपकी रनिंग बालकनी रहेगी। आप इस एरिया को और भी, और बैक साइड में हमारे जो है सर्वेंट क्वार्टर्स रहेंगे विद अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पे आपके टोटल चार आपके सर्वेंट रूम रहेंगे।